हेलो एवरीवन, ये पहला वीडियो है चेन रूल पर। अभी डिफरेंशिएशन, क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पर सीरीज़ ऑफ वीडियो बना रहे हैं। ढेर सारा वीडियोस होगा और वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। आप देख रहे होंगे 25 से 30 मिनट के बीच का वीडियो बनेगा। अभी स्टार्टिंग में इतना ही बता रहा हूं क्योंकि हमको नहीं पता कितना बड़ा वीडियो बनेगा। तो वही एवरेज साइज़ का वीडियो आधा घंटा या उससे छोटा बनेगा, ताकि आप सिंगल गो में एक बार में उसको देख पाएं। बहुत बड़ा वीडियो रहने से आप उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ध्यान रखें आप कि जब आप वीडियो देखने बैठें तो ये सोच कर बैठें कि इसको ख़त्म करके ही उठना है। दूसरा एक परेशानी ये होता है ऑनलाइन वीडियो देखने में कि बहुत सारा नोटिफिकेशंस आता है। ऑनलाइन देखना है तो भैया मोबाइल डेटा ऑन रखना पड़ेगा। अब मोबाइल डेटा ऑन है तो नोटिफिकेशंस आता है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए YouTube पर और फिर मोबाइल डेटा ऑफ करके सिंगल गो में एक साथ लगातार बैठ के देख लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। स्टार्ट कर रहे हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है बहुत डिटेल में समझेंगे, ये पहला वीडियो है। हो सकता है कि इसमें मेजर पार्ट सिर्फ समझने में जाए, क्वेश्चन कम हो, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में क्वेश्चन ज़्यादा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि चेन रूल क्या है, कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर फंक्शन। फंक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, फंक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और फंक्शंस के कैटेगरी में ढेर सारा फंक्शंस है, अलग अलग कैटेगरी है फंक्शंस का। जैसे एक कैटेगरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के परिवार में छह लोग हैं। पहले का नाम है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन, फिर आता है कॉट, फिर आता है कोसिक और फिर आ जाता है सेक। एक बार देख ले कि कवर तो हो रहा है, पार तो नहीं हो रहा। हाँ, तो ये छह लोग हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। इन छहों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। देखिए एक बात बता दें कि हम लोग क्लासरूम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हो रहा है, तो यहाँ पर कहानी थोड़ा दूसरा है। आप चाहते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चंस बने तो आपको फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का, एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप लिख लीजिए, याद नहीं हो रहा है तो लिख कर बैठिए, सामने रखिए पेज के, अपने सामने एक पेज में लिख कर रखिए तो ही क्वेश्चन बनेगा। याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। और नहीं याद हो रहा है तो फिलहाल जब आप क्वेश्चन बना रहे हो कहीं पर लिख कर रखिए उसको और देख देख के करिए। खैर, तो ये फंक्शंस के कैटेगरी में एक खास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनमें छह लोग हैं और इन छहों का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, इन सभी का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। हमको मालूम है कि आपको पता होगा। उसके बाद एक श्रेणी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यह फंक्शन का दूसरा प्रकार है इनवर्स। किसका इनवर्स? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है सर। तो दिखता वैसा ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहां आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। यहां आ गया कॉस इनवर्स एक्स, फिर आया टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ये छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसके पहले छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे थे, बाद में छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं और हमको ये भी पता है कि आपको इनका डिफरेंशिएशन आता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 + 6 = 12 ऐसा ऐसा फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। फिर एक श्रेणी है फंक्शंस के कैटेगरी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के परिवार में दो लोग हैं। एक तो है ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है
और दूसरा है a का पावर x, दूसरा है a का पावर x। यहां पर शर्त है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो a है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये 5 का पावर x हो सकता है, यानी ये 6 का पावर x हो सकता है, यानी ये 1/2 का पावर x हो सकता है, लेकिन ये -9 का पावर x नहीं हो सकता है, क्योंकि a यहां पर जो -9 है वो यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये इस फंक्शन में नहीं आएगा, ये नहीं है मेरा फंक्शन। a का पावर x में एक्सपोनेंशियल के इस फॉर्मेट में a मस्ट बी पॉजिटिव, a को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तो ये a का पावर x नहीं बनेगा, इसका ध्यान रखेंगे। आपको इसका डिफरेंशिएशन आता होगा, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log a होता है। फिर अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक में भी दो तरह का चीज आपको दिखेगा, एक तो दिख जाएगा log x और एक कई बार log x टू द बेस a दिखेगा, बेस में कुछ नंबर रहेगा, यहां बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में e है, याद रखिएगा बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यह समझा जाता है कि बेस में e है, और यहां log x टू द बेस a है। log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a, ये दोनों रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। फिर एक कैटेगरी है पॉलीनोमियल फंक्शंस का, अच्छा यहां पे शाइन करता है, शायद कुछ पार्ट नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है, ठीक है बढ़िया। पॉलीनोमियल फंक्शंस क्या है, तो जो पॉलीनोमियल हम लोग जानते हैं वही चीज है। पॉलीनोमियल के कैटेगरी में दो तीन लोग हैं, मोनोमियल है, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो वो मोनोमियल है, जैसे x का पावर 7, ये मोनोमियल है। फिर बाइनोमियल आता है यानी कि दो टर्म वाला, फिर ट्राइनोमियल आता है यानी कि तीन टर्म वाला, तो ये तीनों ही पॉलीनोमियल्स है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और ऐसा ऐसा बहुत सारे टर्म्स हो सकता है। तो पॉलीनोमियल्स के लिए, पॉलीनोमियल्स में आपको पहचानना कैसे है पॉलीनोमियल्स को, तो देखिए इन सभी में, इन सभी फंक्शंस में x के आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यहां x को पकड़ा हुआ है साइन, x के पीछे है साइन, ये जो x है यहां पे साइन के पास है, कॉस के पास है, टैन के पास है, कॉट के पास है, यहां पर ये जो x है ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स इनके पास है, यहां जो x है वो e का पावर बना हुआ है, यहां जो x है वो a का पावर बना हुआ है, यहां जो x है वो log के पास है, यहां जो x है वो log टू द बेस a के पास है, लेकिन यहां x अकेला है, बल्कि x पे ही कुछ पावर आपको दिखेगा, या फिर आप ऐसा समझे कि इस श्रेणी में आपको x का पावर n टाइप का लोग मिलेगा, इस कैटेगरी में x का पावर n टाइप का लोग आपको मिलेगा, और x का पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये होता है n x का पावर n माइनस 1। तो पूरे पॉलीनोमियल में इसी टाइप का चीज, इसी टाइप का मिक्सचर होगा, ठीक है, बेसिकली यही सब फॉर्मूलाज, यही सब आपको फंक्शंस मिलेगा, यही सब फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी कैटेगरी में रूट एक्स भी आ जाएगा, रूट एक्स का मतलब एक्स पे पावर 1/2, ठीक है, रूट एक्स भी आ जाएगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो कुल मिला के इतना ही मेजर यूज होने वाला फंक्शंस है हम लोग जितना देखते हुए आए हैं। अब इतना अगर आप समझ गए हैं, इतना आप जानते हैं, हम बस फंक्शंस के बारे में आपको बता रहे थे, अभी चेन रूल स्टार्ट नहीं हुआ, कनेक्ट कर रहे हैं, देखते चलिएगा। अभी तक हुआ क्या है, अभी तक हम आपको इतनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और पॉलीनोमियल, इतने फंक्शंस के बारे में बताए हैं, लिख के दिखला दिए हैं कि ये कैसा दिखता है। अब आप ध्यान दें कि सारे ही फंक्शंस के लिए वेरिएबल एक्स है, सारे ही फंक्शंस के लिए वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल यानी कि
ये जो वैल्यूज हम डालेंगे, जो वैल्यूज हम डालेंगे वो एक्स के जगह पर जाकर बैठेगा। अगर यहां पर हम एक्स के जगह पर पाई बाई टू डालें तो ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा। यहां पर भी वेरिएबल एक्स है, यहां पर भी वेरिएबल एक्स है, यहां पर भी वेरिएबल एक्स है, यहां पर भी वेरिएबल एक्स है। इन सारे ही फंक्शन में, बोर्ड में जितना फंक्शन लिखा हुआ है सब पे वेरिएबल एक्स है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फंक्शन दिखता कैसा है और दिखने के बाद किस जगह पर वेरिएबल लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, अभी हम और क्लियर करेंगे। चलिए एक पार्ट तो ये हो गया, ये पार्ट कंक्लूड कर रहे हैं, आखिरी बार बोल रहे हैं हटाने से पहले, बोर्ड क्लियर करने से पहले। आप सभी फंक्शंस जान गए, आप फंक्शंस के वेरिएबल को पहचान गए, ये दो बात आपको यहाँ से लेकर चलना है। अब इसको हटा रहे हैं, इसको यहाँ से भी हटाएंगे, हटा देंगे, हटा ही देते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस समझाने के लिए था। अब एक नया सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, सोचिएगा। सवाल यह है कि अगर हम आपको दो नंबर्स दे दें और बोले इनकी मदद से एक नया नंबर बनाइए, इन दो नंबर्स की मदद से आपको एक नया नंबर बनाना है। जैसे हम दे दिए आपको 3 और 7 और बोले एक नया नंबर बनाइए, तो आपके पास कुल मिला के ये काम करने का 4 तरीका होगा। कौन कौन सा 4 तरीका? पहले तो आप या तो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशन लगाकर इन दो नंबर्स पे हम एक नया नंबर बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको दो नंबर्स दिए हैं 3 और 7 और बोल रहे हैं कि एक नया नंबर बनाइए। जो भी आपको करना है करिए। तो आप बोले कि मेरे पास 4 तरीका है सर, या तो हम इन दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, ठीक है, चारों में से कुछ करेंगे कि नया नंबर बनेगा। उसी तरीके से अगर हम आपको दो फंक्शंस दे दें और बोले कि एक नया फंक्शन बनाकर दिखलाओ, तो बोलेंगे सिंपल, यहां पर भी वही करेंगे, चाहे फंक्शंस को ऐड कर लें, चाहे फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, चाहे फंक्शंस को डिवाइड कर लें, या फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास नया फंक्शन बन जाएगा। ये 4 अलग अलग फंक्शंस बन गया। 2 फंक्शंस आपके पास है, उन 2 फंक्शंस की मदद से एक नया फंक्शन बनाना है। 4 तरीका है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। इन 4ों में से कोई एक ऑपरेशन लगाकर आप एक नया फंक्शन बना सकते हैं। जो काम नंबर्स पे करते थे वो काम फंक्शंस पे भी करना जायज है। और अभी तक आप लोग को जो डिफरेंशिएशन आता है, आपको इसका डिफरेंशिएशन भी आता है, आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन भी आता है, इसका डिफरेंशिएशन कोशेंट रूल होता है, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल होता है, तो 4ों का डिफरेंशिएशन आपको आता है। तो अगर आपको 2 फंक्शन दिया गया है, आप कोई भी 4ों में से कोई भी नया फंक्शन बनाए तो उसका डिफरेंशिएशन आपको आता है। लेकिन यहां पर फंक्शंस में एक और तरीका है नया फंक्शन बनाने का। नंबर्स में 4 ही तरीका था, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। 4 तरीकों से हम नया नया फंक्शंस बना लिए, लेकिन फंक्शंस के कैटेगरी में एक और तरीका है नया फंक्शन बनाने का। अब क्या है वो तरीका, देखिए। उस तरीके को कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, देखिए समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये पहला फंक्शन है, इसका नाम है hx, और दूसरा फंक्शन इसका नाम है gx, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि hx के लिए वेरिएबल कौन, तो आप बोलेंगे x। gx के लिए वेरिएबल कौन, तो आप बोलेंगे x। g क्या है, साइन है सर, h क्या है, e है, उसके लिए वेरिएबल x है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, देखिए नया फंक्शन कैसे बन सकता है, या तो आप h को g के साथ ऐड कर दीजिए,
या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डिवाइड कर दीजिए। ये चार तरीका हो सकता है नया फंक्शन बनाने का। लेकिन एक और नया फंक्शन है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन, इसको लिखेंगे एच ओ जी। ये आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एच ओ जी। एच ओ जी यानी कि एच के अंदर जी एक्स, एच के अंदर जी एक्स। हाँ, ये नया तरीका है। हम लोग एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहे हैं। इसी को कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। अगर लिखा हुआ है एच ओ जी, इधर इधर साइड लेफ्ट से सबसे पहले जी दिख रहा है और उसके आगे एच है, तो आप समझेंगे एच के भीतर, एच के अंदर जी डाला जा रहा है। एच के अंदर जी डाला जा रहा है और जी क्या है, फंक्शन है, उसको हम जी एक्स लिखते हैं। तो ये एच के अंदर जी एक्स चला गया, एच ऑफ जी एक्स पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए एच के अंदर अगर एक्स जाता था, एच के अंदर अगर एक्स जाता था तो ई का पावर एक्स होता था। एच के अंदर अगर जेड जाएगा तो ई का पावर जेड होगा। एच के अंदर अगर टी जाएगा तो ई का पावर टी होगा। एच के अंदर जी एक्स गया तो ई का पावर जी एक्स हो गया। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि एच के अंदर जो भी जाता है ई उसको अपना पावर बना लेता है। एच के अंदर जी एक्स गया, ई उसको अपना पावर बना लिया। लेकिन जी एक्स, जी एक्स तो खुद ही एक फंक्शन है। जी एक्स क्या है, तो जी एक्स है साइन एक्स। तो ये ई का पावर साइन एक्स हो गया है। ई का पावर, ये नया फंक्शन आ गया, ई का पावर साइन एक्स। और ये जो नया फंक्शन आया है ये बाकी लोगों से अलग कैसे है, बाकी लोगों से अलग कैसे है? अगर हम पूछें e का पावर x, पूछें sin x, पूछें e का पावर sin x, अगर पूछा जाए कि इस फंक्शन में वेरिएबल क्या है तो आप बोलेंगे x है। पूछे इस फंक्शन में वेरिएबल क्या है, आप बोलेंगे x है। लेकिन इस फंक्शन में e के लिए वेरिएबल है sin x और sin के लिए वेरिएबल है x। वेरिएबल्स यहां पे चेंज हो गया है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला गया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला गया है, एक्सपोनेंशियल के अंदर साइन को घुसा दिए हैं, एक्सपोनेंशियल के अंदर साइन को घुसा दिए हैं। ठीक है, ये एक कॉम्पोजिशन हो गया। एक और करके दिखलाते हैं, अभी तीन चार कॉम्पोजिशन करके दिखलाएंगे। कॉम्पोजिशन अगर आप यहां सीखे रहेंगे तो आपको ट्वेल्थ में जो फंक्शन चैप्टर है उसमें भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। समझिए, कॉम्पोजिशन भी थोड़ा सा बता देते हैं। जिनको इस वाले में समझ नहीं आया, इस वाले में समझ में आ जाएगा। अभी वाले में समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। इस बार निकाल रहे हैं जी ओ एच। जी ओ एच का मतलब जी के अंदर एच, जी के अंदर एच, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, जी के अंदर एच यानी जी के अंदर एच एक्स। जी के अंदर गया है एच एक्स। इसके पहले था एच ओ जी, तो एच के अंदर था जी एक्स। इस बार है जी ओ एच, तो जी के अंदर है एच एक्स। लेकिन जी के अंदर कोई भी रहता है उसको साइन पकड़ लेता है। जी के अंदर एक्स है तो साइन एक्स होगा, जी के अंदर टी है तो साइन टी होगा, जी के अंदर जेड है तो साइन जेड होगा, जी के अंदर एच एक्स है तो ये हो जाएगा साइन, हाँ एच एक्स, साइन एच एक्स। लेकिन एच एक्स तो खुद ही एक फंक्शन है, एच एक्स है ई का पावर एक्स, तो ये हो गया साइन ई का पावर एक्स। ठीक है, ये नया फंक्शन बन गया। जो नया फंक्शन बना वो एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से नहीं बना है, कॉम्पोजिशन से बना है। साइन के भीतर, साइन के अंदर एक्सपोनेंशियल डाल दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक्सपोनेंशियल डाले हैं तब ये फंक्शन बना है। इसके पहले एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक था, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक्सपोनेंशियल है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं और फिर कहानी पे लौटेंगे हम लोग कि क्या है चेन रूल। इस बार ले लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स, इसका नाम रख देते हैं टैन इनवर्स एक्स, और एक फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स, ये ले लेते हैं हम लोग
5 का पावर x, ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। इस बार ये जो दो अलग अलग फंक्शंस लिए हैं उनमें से एक है इनवर्स और दूसरा है एक्सपोनेंशियल, इनवर्स और एक्सपोनेंशियल। अब देखिए इनका कॉम्पोजिशन करके हम आपको दिखला रहे हैं, कॉम्पोजिशन में निकाल रहे हैं एफ ओ जी, एफ ओ जी, आप समझदार हो गए हैं, आपको समझ में आ गया है कि किसके अंदर कौन जाएगा, आप समझ गए होंगे कि एफ के अंदर जी जाएगा, तो इसको लिखेंगे एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स, ठीक है। अच्छा, एफ के अंदर कुछ भी जाता है तो वो टैन इनवर्स हो जाता है, एफ के अंदर कुछ भी तो टैन इनवर्स कुछ भी, एफ के अंदर अगर पेड़ गया तो ये टैन इनवर्स पेड़ होगा, एफ के अंदर अगर कार गया तो टैन इनवर्स कार होगा, एफ के अंदर अगर घर गया तो टैन इनवर्स घर होगा, अरे एफ के अंदर है क्या जी एक्स, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स जी एक्स, टैन इनवर्स जी एक्स, टैन इनवर्स जी एक्स। लेकिन ठहरी, जी एक्स तो खुद ही एक फंक्शन है, जी एक्स खुद ही एक फंक्शन है, तो यहां पे टैन इनवर्स जी एक्स की जगह पर 5 का पावर एक्स, ये नया फंक्शन बन गया। और इस नए फंक्शन में अगर हम आपसे पूछें कि किसके अंदर कौन है तो आप बोलेंगे इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल है। फिर से सुनिएगा, अगर पूछ दें कि कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, किस फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो आप बोलेंगे इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाले हैं, इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल डाले हैं। अब इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल है, बहुत बढ़िया। तो टैन इनवर्स के लिए वेरिएबल कौन होगा, टैन इनवर्स के लिए वेरिएबल होगा 5 का पावर x, टैन इनवर्स के बगल में जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा इसका वेरिएबल हो जाएगा, और 5 एक्सपोनेंशियल के लिए, 5 के लिए वेरिएबल x होगा, एक्सपोनेंशियल के लिए वेरिएबल x होगा, इनवर्स के लिए वेरिएबल 5 का पावर x और एक्सपोनेंशियल के लिए वेरिएबल x, ठीक है। एक और करते हैं, ये आखिरी होगा। इस बार निकाल रहे हैं जी ओ एफ। देखिए अगर आप समझ गए हैं, अगर आप समझ गए हैं कॉम्पोजिशन, तो आप वीडियो रोक के अपने से जी ओ एफ निकाल लीजिए, अपने से निकाल लीजिए, तो आपका कॉम्पोजिशन भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो फिर देखिए, देखिए कि क्या हो रहा है। जी ओ एफ थोड़ा तेज चल रहे हैं, जी के अंदर एफ एक्स डाल रहे हैं, जी के अंदर एफ एक्स, अरे जी के अंदर जो डाले 5 का पावर x हो जाता है, जो भी डाले वो 5 का पावर बन जाता है। जी के अंदर अगर फैन डाल दे तो 5 का पावर फैन, जी के अंदर मार्कर डाल दे तो 5 का पावर मार्कर, जी के अंदर कैमरा डाल दे तो 5 का पावर कैमरा, तो ये हो जाएगा 5 का पावर fx, 5 का पावर fx। और अब fx तो खुद एक फंक्शन है, fx खुद एक फंक्शन है, तो ये हो गया 5 का पावर tan inverse x, 5 का पावर tan inverse x। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अंदर कौन है, तो आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर इनवर्स है, पिछले वाले में इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल था, इसमें एक्सपोनेंशियल के अंदर इनवर्स है। अगर आपसे पूछे एक्सपोनेंशियल के लिए वेरिएबल कौन है, तो आप बोलेंगे टैन इनवर्स एक्स, और इनवर्स के लिए वेरिएबल एक्स है, इनवर्स के लिए वेरिएबल एक्स है। तो इतना कॉम्पोजिशन हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉम्पोजिशन हो गया है तो आगे बढ़ रहे हैं, एक और कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, हम बस लिख के दिखला रहे हैं, तो आपको पहचानना है कि किसके अंदर कौन है। देखिए तीन फंक्शंस कॉम्पोजिशन हुआ, बेजोड़ कॉम्पोजिशन हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आया है इनवर्स, और इनवर्स के अंदर आया है पॉलीनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर है इनवर्स, इनवर्स के अंदर है पॉलीनोमियल। तो आपको आज के सेशन में यही सिखाना था कि कॉम्पोजिशन कैसे हो रहा है और किसके अंदर कौन आता है, पहचानने आपको सिखलाना था।
हमको लगता है आप सीख गए। देखिए यहां पर पूछा जाए तो आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स और इनवर्स के अंदर पॉलिनोमियल। यहां अगर दूसरा दे दे हम, यहां पे भी बड़ा कंपोजिशन कर दिए, यहां पर क्या ऑर्डर है तो आप बोलेंगे सर लॉगरिथमिक के अंदर, लॉग के अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आज डाले हैं इनवर्स, इनवर्स के अंदर डाले हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का वेरिएबल है एक्स। आपको वेरिएबल भी पहचानने आना चाहिए। यहां लॉग के लिए यह पूरा वेरिएबल है, साइन इनवर्स e का पावर टैन एक्स ये पूरा वेरिएबल है, साइन इनवर्स के लिए ये पूरा वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल के लिए ये पूरा वेरिएबल है और टैन के लिए, टैन के लिए वेरिएबल है x। अगर आपसे कोई पूछे लॉग के लिए वेरिएबल कौन है तो x मत कहिएगा, लॉग के लिए ये पूरा साइन इनवर्स वाला पूरा इसका वेरिएबल है, साइन इनवर्स के लिए पूरा एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल के लिए टैन वेरिएबल है और टैन के लिए एक्स वेरिएबल है। तो कॉम्पोजिशन में वेरिएबल पहचानने आपको आना चाहिए। चलिए अब जब आप सीख गए हैं इतना चीज, मेजर पार्ट आप सीख गए हैं, तो अब इसको हम हटा रहे हैं और लौटते हैं, लौटते हैं डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन का कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए क्योंकि अभी 26 मिनट हो गया है और डिफरेंशिएशन का कम से कम दो क्वेश्चन तो कराएंगे ही। हाँ तो क्या कहानी है, क्या याद रखना है इसमें? सबसे पहला चीज जो याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है, जो सच्चाई भी है कि हर एक फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। दोहरा रहे हैं, लिख लीजिए उसको हिंदी में जैसे बोल रहे हैं, फिर से कहते हैं, हर एक फंक्शन को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकेंगे। दोबारा बोलते हैं, एक बार और बोलते हैं, तीसरी बार बोल रहे हैं, कोई भी फंक्शन आप ब्रह्मांड में लेकर आइए, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही पॉसिबल होगा। मतलब कि अगर हम यहां एक फंक्शन लिखते हैं साइन जेड और कोई बोले इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या करेंगे? हाँ सर डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। फंक्शन तो ठीक है, फंक्शन तो साइन है, लेकिन वेरिएबल तो देखो, अरे वेरिएबल जेड है तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन जेड के ही रिस्पेक्ट में होगा, साइन जेड का डिफरेंशिएशन जेड के ही रिस्पेक्ट में होगा। हम यही कहना चाह रहे थे कि कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन के पास जेड था तो कॉस के पास भी जेड आएगा, कॉस के पास भी जेड आएगा। अगर आपके पास आ गया टैन इनवर्स एप्पल आ गया और आपको कोई कह दिया कि करो टैन इनवर्स को डिफरेंशिएट, तो आप अब हो गए हैं समझदार। आप क्या हो गए हैं? समझदार। आप समझदार हो गए हैं, आपको पता चल चुका है कि टैन इनवर्स के लिए वेरिएबल एप्पल है। तो अगर टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो एप्पल के रिस्पेक्ट में ही कर सकेंगे और कोई उपाय नहीं है। तो टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एप्पल के रिस्पेक्ट में। याद होगा अगर कि टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो 1/1 + x² होता था। यहां पर यह होगा 1/1 + apple² ठीक है, ये चीज है। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं।
अब एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको सिखाते हैं ये बात। एक छोटा सा एग्जांपल अगर दे दिया गया है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस रूट ओवर लॉग एक्स, ठीक है, और बोल दिया जाए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये कह दिया गया, एक फंक्शन दिया गया है कॉस रूट ओवर लॉग एक्स और पूछा जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बताइए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको कॉम्पोजिशन समझना पड़ेगा कि किसके अंदर कौन है। ध्यान से देखना मेरा बताया हुआ वीडियो, मेरा बताया हुआ क्वेश्चंस में आप जितना ज्यादा डीपली जाएंगे समझेंगे तो उतना ज्यादा क्वेश्चंस आपसे बनेगा, इसलिए आप एकदम ध्यान से देखिए, मिस नहीं होना चाहिए, फोकस पूरा लेकर आइए। यहां देखिए 5 मिनट में इसको समेट देंगे, 5 मिनट का कंक्रीट फोकस आप यहां लगाइए। हम ये कह रहे थे कि इस फंक्शन में आपको पहचानना है कि किस फंक्शन के अंदर कौन है। जैसे हम पहचानते हैं कि सबसे पहले कॉस दिखा, कॉस के अंदर है रूट, रूट के अंदर है लॉग और लॉग के अंदर है एक्स। एक्स जहां है रुक जाना है, एक्स जहां है रुक जाना है। कॉस के अंदर है रूट, रूट के अंदर है लॉग, लॉग के अंदर है एक्स। ये सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है, कॉस के अंदर है रूट, रूट के अंदर है लॉग, लॉग के अंदर है एक्स। तो अगर हम ऐसे पूछें कि कॉस के लिए वेरिएबल कौन है, अगर हम पूछें आपसे पूछें कि कॉस के लिए वेरिएबल कौन है, तो कॉस यहां पर, कॉस की जगह यहां पर कौन है, तो यहां पर है रूट लॉग एक्स। कॉस के लिए वेरिएबल है रूट लॉग एक्स। अगर हम आपसे पूछे रूट के लिए वेरिएबल कौन है तो आप बोलेंगे लॉग एक्स। अगर हम आपसे पूछे लॉग के लिए वेरिएबल कौन है तो आप बोलेंगे एक्स। और आप हैं समझदार, आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। यानी अगर कॉस को डिफरेंशिएट करना हो तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट को करना हो तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग को करना हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां तक एक बात और समझा रहे हैं, धीरे समझाएंगे, अलग ढंग से समझाएंगे। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट करिए, बोला जा रहा है कि डीवाई बाई डी एक्स निकालिए, डीवाई बाई डी एक्स। तो जब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप पहले कॉम्पोजिशन पहचानेंगे कि किसके अंदर कौन है, किस फंक्शन के लिए वेरिएबल कौन है। तो हम यहां पर एक सीक्वेंस निकाले हैं कि कॉस के अंदर, कॉस के अंदर रूट है, रूट के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर एक्स है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कॉस के लिए वेरिएबल है रूट लॉग एक्स, रूट के लिए वेरिएबल है लॉग एक्स, लॉग के लिए वेरिएबल है एक्स। और आपको पता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो वही काम हम यहां करेंगे। अब आपको ये डिफरेंशिएट करके दिखलाते हैं। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिलहाल, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो आप बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सिखाए हैं सर कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। क्या करें फिर सर, तो कॉस के लिए जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस के लिए वेरिएबल है रूट लॉग एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दिए।
लेकिन ये वाला तो हम अपने मन से लाए हैं, ये नहीं था, इसको अपने मन से लाए हैं, अपने मन से डिवाइड किए हैं, तो अपने मन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा रूट। और इसमें हम थोड़ा चालाकी कर रहे हैं, चालाकी ये कि लगे हाथ इसको भी डिफरेंशिएट कर लें। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन को पहचानना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन है रूट और रूट के लिए वेरिएबल है लॉग, तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा लॉग के रिस्पेक्ट में, यहाँ डिफरेंशिएशन होगा लॉग के रिस्पेक्ट में। चलिए एक बार ऑर्डर समझते हैं, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए ये लॉग तो अपने से लाए हैं तो अपने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और लॉग के लिए वेरिएबल है एक्स, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सर, तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए और समझिए कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो डीएक्स था घिसक घिसक के यहां पहुंच गया, जैसे ही डीएक्स आ जाए नीचे, आप रुक जाइएगा, डीएक्स आ जाए रुक जाइएगा। देखिए यहां पर करना क्या पड़ा कि कॉस का डिफरेंशिएशन करना था तो उसके वेरिएबल यानी रूट लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ा। ये रूट लॉग एक्स का डिफरेंशियल ऑपरेटर अपने से लाएं तो अपने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। मल्टीप्लाई किए तो यहां जब पहुंचे तो लगा कि इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर रूट को देखें, रूट मेरा फंक्शन था, वेरिएबल लॉग है तो लॉग के रिस्पेक्ट में किए, लॉग वाला चीज अपने से लाएं तो अपने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। लॉग फंक्शन है, वेरिएबल एक्स है तो यहां नीचे डीएक्स आ गया, डीएक्स आया नहीं, इसी डीएक्स को घसका घसका के यहां तक पहुंचाए हैं। और इन सभी का डिफरेंशिएशन आपको आता है, नहीं आता है तो फिर भी हम बता दें, नहीं आता है तो बता देते हैं कि अगर आप कॉस ऑफ एनीथिंग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एनीथिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब कॉस के पास जो चीज है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कॉस के पास जो भी चीज है उसी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो आएगा माइनस साइन ऑफ वही चीज। जो चीज कॉस के पास है उसी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा माइनस साइन ऑफ वही चीज। तो कॉस का डिफरेंशिएशन यहां लिख रहा है माइनस साइन, और कॉस के पास जो था वही आ गया रूट लॉग एक्स। ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1/2 रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट log x, और log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log के पास जो चीज है उसी चीज के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/ वही चीज होता है, तो यहां 1/x हो जाएगा। अच्छा log x है तो log x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 1/x। लीजिए रेडी हो गया, यही आपका आंसर है, एक बार समेट के लिख दें तो माइनस साइन रूट लॉग एक्स डिवाइडेड बाई इस एक्स को आगे लिख रहे हैं 2x रूट लॉग एक्स, यही आंसर है आपका। ये फंक्शन दिया गया था, डीवाई बाई डीएक्स पूछा गया तो डीवाई बाई डीएक्स आ गया। एक बार इसको समेट देते हैं, पूरा समझा देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो। क्रम बाई क्रम बोलते चल रहे हैं और ध्यान से सुनिए, ये एक फंक्शन दिया गया था, पूछा जा रहा था इसका डिफरेंशिएशन। हम आपको सबसे पहले ये बोले कि आप पता करिए कि किस फंक्शन के अंदर कौन है, ठीक है, तो आप पता कर लिए कि कॉस के अंदर रूट है, रूट के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर एक्स है। फिर आपको यह भी पता था कि फंक्शन को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप यहां पर हमको मना कर दिए, रोक दिए, आप बोले कि सर ये गलत चीज है, कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मत करिए, गलती हो जाएगा। फिर हम पूछे कि क्या करें, तो आप बोले कि कॉस के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किए। फिर हम पूछे कि क्या है इसका वेरिएबल, तो आप बताएं कॉस के लिए वेरिएबल है रूट लॉग एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किए।
फिर अपने से ये लाए हैं तो अपने से मल्टीप्लाई किए। अब की बार फंक्शन है रूट, अब की बार फंक्शन है रूट, तो रूट के लिए वेरिएबल था लॉग, लॉग के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अपने से इसको लिखे तो यहां पर भी लिखना पड़ा। अब की बार फंक्शन है लॉग, वेरिएबल है एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। और सबका डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉस ऑफ एनीथिंग का डिफरेंशिएशन एनीथिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एनीथिंग आएगा। ले आए रूट, रूट में अगर मान लीजिए एप्पल है तो आपको मजबूरन एप्पल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसका आंसर 1/2 रूट एप्पल आएगा। वही काम यहां पर किए हैं। लॉग ऑफ एनीथिंग का डिफरेंशिएशन एनीथिंग के रिस्पेक्ट में 1/anything आता है, तो यहां पर लॉग के पास एक्स था, 1/x आ गया, समेट के लिख दिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यही चेन रूल है, इसी में हम लोग यही हम लोग करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, अगर आप ये वाला बात समझ गए हैं बहुत बढ़िया से तो बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम आपको कम से कम 4-5-6 वीडियो क्वेश्चंस बनाकर दिखलाएंगे, उससे ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस भी बनाइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।